हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने IQ Neo 7 Pro Android मोबाइल फ़ोन में आप जो है नोटिफिकेशन रिंगटोन सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन रिंगटोन सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको है ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन रिंगटोन का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब नोटिफिकेशन रिंगटोन का ये पेज ओपन होगा, इसमें आपका ना पहले से ये म्यूट के सामने वाले सर्कल पे आपका टिक मार्क लगा होगा, यानी कि आपकी सेटिंग पहले से ऑफ है। इस सेटिंग को ऑन करने के लिए आपको म्यूट के नीचे काफी सारी नोटिफिकेशन रिंगटोन दे रखी है, इनमें से आपको कोई भी एक रिंगटोन आपको सेलेक्ट करनी है जिससे आपकी सेटिंग ऑन हो जाएगी। तो आप यहाँ चाहे तो इसे सबसे ऊपर कस्टम रिंगटोन का ऑप्शन दे रखा है, इसके अंदर भी आपको जो है नोटिफिकेशन रिंगटोन दे रखी है। आप यहाँ से भी कोई भी आप रिंगटोन आप सेलेक्ट करके इस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर याली रिंगटोन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी नोटिफिकेशन रिंगटोन सेटिंग इनेबल हो जाएगी, ठीक है। अब ये सेटिंग जो है काम कैसे करेगी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपके मोबाइल फ़ोन पे कभी भी नोटिफिकेशन आएगा ना, तो आपके मोबाइल फ़ोन से एक साउंड की आवाज़ आएगी जो रिंगटोन आपने सेलेक्ट की होगी नोटिफिकेशन की, ठीक है। तो इस सेटिंग जो इनेबल करने के बाद ऐसे काम करेगी। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ आपके फ़ोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है नोटिफिकेशन रिंगटोन, ठीक है। आपको जो है ना नीचे की साइड ऑप्शन शो हो जाएगा नोटिफिकेशन रिंगटोन का। यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे शो हो जाएगा तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली इस सेटिंग में आपको लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।